दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ ड्रैगन फ्रूट की खेती में। ये देखिए पीछे चारों तरफ ड्रैगन फ्रूट की खेती और प्लांट लगा हुआ है और मैं आज हूँ अयोध्या। अयोध्या में ड्रैगन फ्रूट की खेती आज मैं आप सभी को जानकारी देते हुए चलूँगा और आप सभी को बताऊँगा इस खेती से फ़ायदा क्या है किसानों को और किस तरीके से ये खेती की जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए ये कितनी दूरी पे है। लगभग जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ तक इसके पौधे ही पौधे हैं। तो हमारे चैनल में जो है आज हमारे किसान भैया मान लीजिए और एक अध्यापक भी हैं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि सबसे पहले ये खेती होती क्या है? ये खेती फल है और ये फल आप ये समझिए कि शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन रखता है। अच्छा। तमाम रोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। शुगर है, हृदय रोग है। हाँ। और रक्त अल्पता एक होती है जिसको खून कम बन रहा हो। कुल मिला करके ये समझिए कि ये जीवन रक्षक है, फल है, क्योंकि अपने यहाँ अपने देश में कहीं कहीं इसकी इसको पैदा किया जा रहा है। जैसे अपने यहाँ आम होता है, अमरूद होता है। हाँ। और बहुत सारे फल हैं। हाँ, बहुत सारे फल इसकी हैं। इसकी कम वो है। हाँ, इसकी कम खेती अभी कम हो रही। लोग इसको इसके बारे में जानते ही नहीं प्रायः कि ये है क्या। हाँ। अब थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में हो रही है, गुजरात में कुछ ज़्यादा पैमाने पर हो रही है। हाँ। हरियाणा में भी हो रही है, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत लोग शुरू किए हैं और अपने ही बाराबंकी ज़िले में भी खेती। हरियाणा में जो खेती है सबसे ज़्यादा वो कौन सी है? राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो विदेश में नौकरी करते थे लेकिन छोड़ के चले आए, वो यही अब खेती करते हैं। हाँ। और इसी खेती से वो मालामाल भी हो रहे हैं। हाँ। और लोगों को इस फल को दे करके, बेच करके और उनके स्वास्थ्य को सुधार भी रहे हैं। मतलब लाखों कमा रहे हैं इस खेती से लोग। मतलब एक नई सोच है। नई सोच है और टेक्नोलॉजी और समय के हिसाब से देखा जाए। हाँ। तो ये खेती होना चाहिए। ये खेती बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि किसान जो है कम से कम वो मेहनत के बाद अपने फल को जो प्राप्त करेगा उससे जो उसकी आय होगी तो उसके जीवन खुशहाल होंगे और लोग बाग इसको बीमारियां तमाम हैं खा करके वो स्वस्थ रहेंगे। तो खेती तो होनी ही चाहिए। जैसे अपने यहाँ आम के पेड़ बहुत हैं अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, तो ये भी अगर रेगुलर अगर यूज़ किया जाए तो इससे इनकम का भी जरिया बढ़ सकता है। हाँ, और स्वास्थ्य का भी। हाँ, दोनों चीज़ जो है मिलती रहेंगी। अब देखिए ये है कि थोड़ा लगाने में ये खेती महंगी पड़ती है शुरुआत में। अच्छा, ये कितनी दूर में लगा हुआ है? हमारा करीब 2.25 बीघे में है। हाँ। 270 पोल लगे हुए हैं। 270 पोल? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये पोल के बारे में दिखाइए एक बार, इधर जरा आइए। जैसे मैं देख रहा हूँ ये खंभा पहले लगा हुआ है जी। तो ये 7 फीट का खंभा है। 7 फीट? हाँ, 2 फीट जो है जमीन के अंदर है। हाँ। गड्ढा खोदा जाता है 2×2 का। हाँ। 2 फीट अंदर कर दिया गया। हाँ। फिर इसको खाद से यानी गोबर की खाद, यहीं की मिट्टी और जो है 2-1 दवा डाल करके, जैसे ताकि कुछ कीड़े उड़े ना लगें। अच्छा। और इसके बाद ये भर दिया जाता कि ये पेड़ है और पेड़ जैसे अगर किसी को करना है ये खेती जी तो शुरुआती में पहले खेत बनाना पड़ेगा। हाँ। और खेत में ये नाली बनानी पड़ेगी। हाँ, बेड बनाना पड़ेगा ऊंचाई पर, क्योंकि पानी अगर बरसे तो पानी पौधों के पास ना रुके। अच्छा। नहीं तो सूख जाएगा। अच्छा। इसको चूंकि बहुत कम पानी चाहिए, इसको कम पानी। हाँ, इसलिए थोड़ा ऊंचाई बेड पर रहना चाहिए। अच्छा, पानी अच्छा। रुकना नहीं चाहिए। और इसमें मतलब शुरुआती दौर में ये इसका पौधा वगैरह कहाँ से? पौधा तो हम गुजरात से मंगवाए थे। अच्छा। 70 रुपये का एक पौधा मिला था। अच्छा। 1100 पौधे हमने मंगवाए थे। तो 1100 पौधे को मतलब एक जैसे ये खंभा लगा है। हाँ। तो इसमें एक पौधा लगेगा कि नहीं, दो तीन? चार चारों किनारों पर जो है। अच्छा अच्छा। 4 पौधे लगेंगे, ये तो बाकी आपको दिख रहे हैं उसी से निकले हैं तमाम। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी 4 पौधे एक पोल में लगते हैं। अच्छा। पोल के साथ जब ये क्रमशः धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं जब यहाँ आते हैं। हाँ। तो देखिए यहाँ रिंग लगी है लोहे। अच्छा, की अच्छा। लोहे की रिंग है। अच्छा। उसी में टायर फंसा दिया गया है। अच्छा, ताकि ये बैलेंस रहे। बैलेंस रहे और चूंकि इसको यहाँ से निकल कर लटकने के लिए। हाँ। बिना लटकाए हुए ये फल भी इसमें नहीं आएंगे। अच्छा, इसको तो, हाँ। मतलब धीरे धीरे ये कितने साल में तैयार हो जाता है? ये 14 महीने में तैयार हो जाते हैं। इसका लगाने का समय क्या है? लगाने का मुफीद समय जो है इसका फरवरी माह है। सबसे उत्तम समय फरवरी माह।
अच्छा, इसकी तो मेन जो फल फसल होती है, तो इसका फसल का कौन सा महीने में फल देता है ये? फल आप जान लीजिए कि लास्ट मई से शुरू होता है, फूल आने शुरू होते हैं और ये फूल फल आते रहते हैं लगातार 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर 6 महीने मान के चलिए कि 6 महीने इसमें फल आते हैं। अच्छा, ये जितना अगर बीघे के हिसाब से बताइए कितना बीघा होगा ये? ये 2.25 बीघे है। 2.25 बीघे? हाँ, 2.25 बीघे है। 1 बीघे में कितनी पैदावार हो जाती है? देखिए, पहली साल जो है पहली बार कम फल आते हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे पहली बार जो हमारा आया नया पौधा रहता है मेच्योर नहीं हुए रहते हैं, इसलिए तो पहली बार हम करीब इसमें 2.25 लाख रुपये अच्छा हम कमाए थे। अच्छा। लेकिन इस बार तो 4.25 लाख तक हमको मिला, क्योंकि फल इस बार ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। तो अगर जैसे होलसेल में अगर ये बिकता है तो कितने रुपए किलो बिकता है? 300 रुपये किलो हमारा जाता है। 300 रुपये जाता है। लास्ट में जब कम हुए, फल कहीं नहीं मिल रहे थे, तो 400 में भी हमने कुछ बेचा है। अच्छा, हाँ। तो आप जैसे अगर आप मापांक जो होता है, इतने बड़े क्षेत्र में लगभग कितना कुंटल हो जाता होगा? अब मान के चलिए कि करीब 75 कुंटल लगभग हमने बेचा। 75 कुंटल? हाँ, कुंटल। 75 × 7 = 21, 2 लाख 3 लाख ऐसे ही हो गया। हाँ हाँ। तो और कुछ जैसे कि एक चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ कि जैसे इसको परमानेंट सिंचाई के लिए इसमें ड्रिपिंग की व्यवस्था की, इरिगेशन लगा हुआ है, क्योंकि इसको पानी कम चाहिए। हाँ। इस वजह से जो है ड्रिप लगा रहता है, तो बूंद बूंद पानी गिरता है, तो घंटे दो घंटे जब लगे कि सिंचाई कर देनी चाहिए, तो घंटे दो घंटे खोल दीजिए। अच्छा अच्छा, वो अपने आप हो जाएगा, सिंचाई हो गई उसकी। तो जैसे अपने यहाँ पे जैसे गन्ना है, गेहूँ चावल है जी, और सबके पास बहुत खेती है, और लेकिन अगर जैसे 1-2 बीघे में किया जाए, जिसके पास 1-2 बीघे ज़मीन है, तो क्या वो उसके अब सोचेगा कि गेहूं करूं कि चावल करूं और इसको लगा दूं, साल दो साल फल भी नहीं देगा, है ना, 2-3 साल बाद ही रिजल्ट आएगा। हाँ, हाँ। तो उस पर क्या कहें? अब जैसे छोटे किसानों के लिए भाई, अगर खेती कम है, 1-2 बीघे 2-4 बीघे हैं, तो उनके लिए तो समस्या रहेगी ही। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ समय तक अगर इंतजार कर लिया जाए, तो हम 1 बीघे अगर गेहूं बोते हैं तो कितना पा जाते हैं, गन्ना बोते हैं तो कितना पा जाते हैं, 1 बीघे में बहुत निकला तो 2 ट्राली गन्ना अगर निकलता है, ज़्यादा से 50-60 हज़ार रुपये हमको मिलेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कुछ दिनों के इंतजार के बाद उसी खेत से 1-2 बीघे से अगर हम 2-3-4 लाख कमाते हैं, तो हमको धान गेहूँ बोने का क्या मतलब है? हम उतना खरीद करके उसमें से थोड़े से पैसे से साल भर खा लेंगे, और कुछ हमारी अतिरिक्त आय भी हमको हो जाएगी। अब एक चीज़ किसानों को और बताइए कि जैसे कि अगर एक बार लगा दिया गया, अब किसान साल दो साल इंतजार भी कर लिया, ठीक है ना, तो ये पेड़ कितनी साल तक फल देगा? ये 20 से 25 साल, एक बार लगाने के बाद 25 साल तक। 25 साल चलता है, देख रेख चलती रहे, कटाई छटाई चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, इसी तरीके से देखते रहिए किस तरीके से मैं जो ये खेती दिखाने आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, और बहुत लोग डाल भी चुके हैं, लेकिन अपने क्षेत्र अवध में और अयोध्या में मुझे लगता है अपने ज़िले सुल्तानपुर में ऐसी कोई खेती किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर खेती को बढ़ावा दिया जाए, तो इस तरीके से जो खेती होती है, वो खेती किसानों की आय के लिए, उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए, कि जैसे मान लीजिए कोई खेती अगर 20-25 साल के लिए लगा रहे हैं, तो ये लगभग मान चलिए 10-12 साल तक तो चलेगा ही चलेगा पौधा। हाँ। तो इसमें रोगों का कोई, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई या बहुत ठंडी हुई, एक ही रोग है जो फंगस इसमें लगती है, देख नहीं रहे पीले हुए हैं? अच्छा, हाँ, ये हल्का पीला पीला दिख रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे पीला होके फिर उसमें पानी भर जाता है, सड़ जाते हैं। अच्छा, इसके लिए दवा दिलवाती हैं? इसके दवा, वैसे तो मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, रसायन नहीं डालता हूँ। अच्छा, मतलब पूरा गोबर खाद ये? हाँ, इस ऑर्गेनिक है, हम इसमें जो है रसायन कोई नहीं डालता हूँ। इसका फल भी मीठा बहुत ज़्यादा, स्वादिष्ट, बहुत मीठा, बहुत बढ़िया। लेकिन अब ये है कि ये फंगस रोग नहीं मिलता है, तो मजबूरी में हमको रासायनिक दवा जो है ला करके डालना पड़ता है। मैं यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि वैसे तो ये अमीरों का फल है, ठीक है ना, लेकिन जब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी, तब तक आम आदमी तक ये फल पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे अपने क्षेत्र में आम, अमरूद ये सब होता है,
ये सब तो मिल जाता है सबके यहाँ, लेकिन ये जो फल है अगर किसान करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा। मैं तो पेशे से अध्यापक भी हूँ, इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हूँ जी, लेकिन घर रहते रहते मेरे मन में आया जैसे धान गेहूँ खेती घर पे होती थी, गन्ना खेती होती थी, तो मुझे लगा कि कुछ नया कुछ किया जाए। तो यही यूट्यूब और उस पर जो है गूगल पर देखते देखते मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा क्यों ना इसको किया जाए। पहला लॉकडाउन जो लगा था उसी समय मेरा लग गया होता, लेकिन उस समय आपको याद होगा कि यातायात सारे सब कुछ बंद हो गया था। दूसरे वाले में तो चल ही रहा था, लेकिन पहले वाले में तो एकदम से सब शांति थी, इसीलिए हम पिछड़ गए, नहीं तो हमारा उसी समय लग गया होता। अच्छा। तो बाद सेकेंड लॉकडाउन जब लॉकडाउन वगैरह खुला तो हमने तैयारियाँ शुरू की और इसके बाद हमने मंगाया और लगवाया। एक चीज़ मैं भूल गया, हमारे दर्शकों को आप एक बार अपना परिचय बताइए जिससे। मेरा नाम राकेश पांडे, गांव का नाम मेरे पुरुषोत्तमपुर है, जनपद अयोध्या है, और मैं पेशे से अध्यापक भी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं किसान भी हूँ, और यही खेती को मैंने जो है फैजाबाद का प्रथम किसान मैं हूँ जी। मैं सम्मानित भी किया गया जिलाधिकारी के द्वारा, दो बार में सम्मानित किया गया, कृषि निदेशक ने भी हमको सम्मानित किया। तो यही है खेती, मैं यही आह्वान करूंगा किसानों से कि देखिए उसी राह पर मत चलिए जिस राह पे चलते आए हमारे पूर्वज, थोड़ा सा राह बदलिए और निश्चित रूप से आप संपन्न होंगे, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। तो बाकी तो धान गेहूँ सब पैदा कर लेते हैं, खाने भर को तो हो ही जाता है, लेकिन इस तरीके की खेती किया जाए कि ताकि जो है वो संपन्नता आए, और संपन्नता के साथ साथ लोगों तक ये, जैसा कि आपने अभी कहा कि ये अमीर लोगों का फल है, अमीर लोगों का तब तक है जब तक किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पैदा करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे गरीब लोग हैं वो भी इसको आसानी से पा जाएंगे और उसके द्वारा अपने स्वास्थ्य को वो सुधारेंगे और सुरक्षित रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कि को कभी दिक्कत उक्कत तो नहीं हुई, जैसे कोई समस्या शुरुआती में इसको लगाने में बहुत सारी समस्याएं भी आई होंगी? समस्या आई, जैसे समस्या का मतलब यही फंगस जो है इसका जान लीजिए कि दुश्मन है। एक बार इतनी समस्या आई गर्मी के दिनों में कि सब एकदम पीले हो गए, मतलब दूर से लगता था एकदम पीले पीले दिखते थे, सूख गए थे। मुझे लगा अब शायद मैं संभाल नहीं पाऊंगा, नई खेती हमने कर लिया, शुरुआत ही के दिनों की बात है, और शायद इसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या रखना है, इसके लिए क्या करना है, लेकिन मैं लगा रहा दवा हुआ छिड़कता रहा, देखभाल करता रहा, अंततः उस पर हमने विजय प्राप्त कर लिया। तो इसके अलावा और कोई हमें दिक्कत नहीं आई। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया और किसानों को आपने बताया, जैसे कि सर जो हैं प्रवक्ता भी हैं और जो है किसान भी हैं, और जैसे कि अपना जो क्षेत्र है ये किसान से ही जुड़ा हुआ है, क्षेत्र अपनी धरोहर है कृषि। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो दिखाते हैं वो आप लोग के भलाई के लिए दिखाते हैं, और मैं इतनी दूर आया हूँ इसीलिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझें, और बहुत ज़्यादा जानकारी अगर किसी को चाहिए होगा तो क्या नंबर वगैरह? निश्चित रूप से जानकारी भी देंगे, पौधे भी उपलब्ध करा देंगे। अच्छा। हाँ, सब कुछ करा देंगे, पूरी मदद होगी, सारी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों मैं जो भी जानकारी होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो वो एक बार इस खेती को शुरू करे। मैं आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं दिखाता हूं अपने चैनल पे, एकदम रियल चीज़ें दिखाता हूं, और रियल चीज़ें दिखाने के लिए ही मैं इधर आया हूं। और देख लीजिए एक बार अंदर से, और देख लीजिए किस तरीके से सेट बने हुए हैं, और अंत में मैं यही कहूँगा इस तरीके से खेती को बढ़ावा दिया जाए। मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।